दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि भारत में डचों का क्या प्रभाव रहा है। भारत में आने वाला पहला डच नागरिक कार्नेलिस द हस्टमान था। भारत में डचों ने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम यानी मसूलीपट्टनम में 1605 में प्रथम डच कारखाने की शुरुआत की। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिंगे ओस्कर इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इसे हॉलैंड की संसद ने 21 वर्षों तक भारत व पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया, जिसमें युद्ध और संधि करने, किले बनाने और भारतीय प्रदेशों को जीतने का अधिकार भी शामिल था। भारत आने के कुछ समय बाद ही डच कंपनी ने भारतीय मसाले व्यापार पर एक अधिकार कर लिया। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयना छीन लिया और धीरे धीरे उन्होंने मसाला द्वीप जो इंडोनेशिया पर था उस पर अपना अधिकार जमा लिया। हिस्ट्री के और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।